गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं हूँ चिमना गांव, अभी मैं जाऊँगा टांडू गांव। अभी सुबह के बजे 9:30, तो टांडू गांव में एक कोई ब्लॉक से कोई आ रखा है, तो वो कुछ करवा रहे हैं। तो मैं आपको वीडियो में आपको सबको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या है, क्या है नहीं है, क्या समस्या है गांव की। और ये लाइट हमारे प्रधान द्वारा अभी लगाई गई है। ये लाइट पहले ये मेरे ताऊ के घर में थी, वहाँ से उखाड़ के लाया गया है यहाँ पे। और यहाँ दोनों गांव के बीच में लगाया गया है, आप देख सकते हो। ये रात के टाइम जलती है और ये आ रहे हैं। और वहाँ से कौन अच्छा ये आ गया, हम एक टांडी गांव अब चल रहे। और ये मेला मंगल द्वारा पूरा राकेश दा तुम घर यो बोई घर हम रह नहीं छी। यू प्रधान लगा रहा, अब ना वो पुराना वाला छी हूँ, पुरानी लाइट है वो चिमना के लिए नहीं है, वो यहीं के लिए बस। वही था पान गर्म होने हम इका गगा वाला। ये क्या चीज चबोतरा ना वो मौसम ही तो बड़ा ना वो आजकल नहीं होता बढ़िया। अच्छा ऊपर है बड़ा होंगी गर्म है वो बाद हो नहीं खाती। अच्छा रापुनी बलवा भी ना क्या पर जो मौसम मिली सी बात हो वो बड़ा है कि मैं आ गया था नमस्ते। और ठीक ठाक बोर्ड का जा रहा, बाड़ा का जा रहा, बाड़ा कब जा रहा तुम? हिम्मत जा रही पांच ताला मारी बोडिल बोडी को रेता आई हम ना आ गया। ये यू कह घर अच्छा तुम दा ना
प्याज ये आ गया मेरे मंगल द्वारा जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे नौकरी लेने जाएंगे कहीं भी कुछ काम करने जाएंगे तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। आज आप कोई भी नौकरी के लिए अगर आपका बेटा अप्लाई करता है, आपकी बेटी अप्लाई करती है, सबसे पहला प्रश्न उनसे यही पूछते हैं कि क्या आपको कंप्यूटर आता है। और क्योंकि मैं इस गांव से हूँ, मैंने अपने गांव की परिस्थितियों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है, मुझे मालूम है कि कितनी दूर जाना होता है, कितना पैसा लगता है किराए में और कितनी गाड़ियां चलती हैं। तो असंभव है कि अगर कोई टांडो का कोई बच्चा अगर चाहे कि मैं कंप्यूटर सीखने कोटद्वार चला जाऊँ तो बहुत मुश्किल असंभव है। और दूसरी चीज, उसको रहने के लिए पैसा देना पड़ेगा, सीखने के लिए पैसा देना पड़ेगा, खाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो इतना पैसा हमारे गांव में होता नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अभी बहुत जगह पे सेंटर खोले हैं। ये तानियों में मैं पहली बार आई हूँ, तो यहाँ मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आपसे चाहती हूँ, आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो। अभी मैं आपसे बात करूंगी, जो भी चीज आप लोग चाहते हो, जैसे माना अगर जो महिला मंगल दल हमारा है, महिला मंगल दल क्या चाहता है, हमारी महिला के जो समूह है वो क्या चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, जैसा भी आप चाहोगे वो हमारी संस्था आपके साथ मिलकर काम करेगी। चाहे अगर आप सिलाई सीखना चाहोगे हम सिलाई सेंटर खोलेंगे, अगर आप भीमल काम सीखना चाहोगे हम भीमल, अगर भीमल काम सीखना चाहोगे तो भीमल का सेंटर खोलेंगे। मतलब कुछ नहीं, आप गलत कह रहे हो। जो चीज, देखो मैं आपसे एक बात बता रही हूँ, आप भीमल का काम इसलिए जल्दी सीखोगे ना क्योंकि भीमल तो आप सालों से बना रहे हो, क्यों नहीं सीखोगे? हमारा काम ही, हम कोई नई चीज नहीं सिखा रहे आपको। भीमल का काम तो आप बहुत सालों से कर रहे हो, क्यों रस्सी बनाने का काम नहीं करते थे पहले? खटिया नहीं बनाते थे पहले रस्सी से? जूड़ा नहीं बनाते थे? तो फिर कोई बात, हम क्यों नहीं बना सकते? कैसी बात कर रहे हो? सब बना सकते हैं, ऐसा दादी कोई काम नहीं है जो आज की औरत नहीं कर सकती, ऐसा कोई काम नहीं है, सब करती है। आज की महिलाएं प्लेन उड़ा रही, जेट उड़ा रही, आप कह रहे हो रस्सी नहीं बना सकती? सब बना सकते हैं, ठीक है, बनाते हैं, आप भी बनाते हो, पर ये तो बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं ये कह रही हूँ आपसे कि अभी एक एक करके आप बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपकी जो अध्यक्ष मैंने जो भी एक एक करके आप बताएगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। एक एक करके आप बताना कि क्या क्या चाहते हैं। अपनी 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 जरूरत है, जो अपना काम सीखना चाहते हैं उसके लिए अपने ये अभी जो मेहनत खड़ी हुई है उनको उनको अपनी सिलाई के लिए काम चाहिए। आप मगर क्या लड़की
क्या बोलते ले नहीं सकता इसलिए मुंडम डायरेक्ट ले मुंडम डायरेक्ट ले नजर वक नीचे उठाड़ू कि जब भी तुम कोई महिला मंगला कार्यक्रम कर तुम तक तुम प्रोग्राम कर दो मतलब उत्तराखंड वगैरह बंदा सूटों देख बन के सूटों में ये सब तो एक बन के सूट चले हाँ एक बन एक जने ना अलग अलग जाल तुम सब कुछ जाल जाल वो लड़ो यार सही अब सुनो मेरे पास सुनो अरे अमीन चाना चाहो अरे अरे कार्य करो हम जो लेडीज आज हम थोड़ा रख जेंट लेडीज जा रहे हैं जैसे लगा लो जैसे लगा लो अब हमारे महिला मंगल दल है जैसे हमारे मतलब कुछ तो फैसिलिटी है नहीं खैर चलो बड़े कोई भी आ रहे कुछ भी कर रहे हैं अब जैसे हम लगा लो महिला मंगल दल है हमारे और जैसे हमारे पास ना तो ड्रेस है ना कुछ कुछ नहीं, हम कुछ जा रहे हमारे पास जैसे लगा लो आप अपने अपने गांव के वो है मेंबर हैं कोई चार है कोई पांच है कितने भी हैं है ना सुविधा तो मतलब हमें सब कुछ चाहिए चाहे चार है चाहे पाँच है कितने भी है आगे जा रहे हमारे पास ड्रेस नहीं है अगर हम कोई कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं कुछ चीज़ तो है नहीं हमारे पास मतलब अगर तुम इन बोले की हम तो 7 महीने होते हैं ड्रेस सेनी से और हम ये ड्रेस पर व्यवस्था पर जोला तो ड्रेस भी मिले देखो इसने कंप्यूटर सीख ला बोल समस्त मात्र शक्ति महिला मंगल दल प्रधान जी श्रीमती अनुकृति गुसाई जी और जितने भी गणमान्य सदस्य को मैं चाहिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनका दूरस्थ गांव में आया छो जो लगभग खाला को बिल्कुल लास्ट गांव च जख कोई विधायक कोई मुख्यमंत्री भी आनो छता सोचल की भाई जान से कि नहीं जानते लेकिन आप इनका दूरस्थ गाँव में आ रहो और रात रुको एक ये गांव में रात रुको थी बहुत बड़ी बात है तो आप हम बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं आप सभी लोगों को कि आप इधर दूरस्थ गांव में रहो आप लोगों के क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुमई रसियाण कार्यक्रम 25-26 तारीख जो रेखणी खाल ब्लॉक इंटर कॉलेज हुमई हरदा धुमाकोटम ऊंचाई आपदा हमरेखणी खालुम करामो ताकि अमेरिका का मात्र शक्ति जो हमारा बुजुर्ग लोग जी यू जीवन भर घासी काट मोली सारे और चुली जला यू तक कभी स्टेज नहीं मिल हम चाहो कि ना लोग भी स्टेज हुआ
ताकि आप जीवन फुकुन चाचा ने भी करा लाऊ वो कुम लेकिन स्टेज उन ताला उन जीवन में एकदा स्टेज उन ताला जाला तुए मैं आप लोगों लिए एक ते सांस्कृतिक कार्यक्रम करन चाहे थड़े गीत लगाना चाहे कहे गानों डांस करना क्या चौप ला लगानी कुछ भी लगा सकते हो। दूसरा आप लोगों लिए तीन टाइप का खाना बना के लेने घर बैठे आप मंडवा कुछ भी ले आ सकते हो जुंगारक ले आ सकते हो दाली ले आ सकते हो कंडेली ले आ सकते हो और सब बना के आपक मर्जी से जय। सबसे ज्यादा बढ़िया राल वे था जो 7,500 रुपया इनाम मिलल फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज 5,000 थर्ड प्राइज हम 3,000 रुपया दे रहे तीन दे रहे की डे दे रहा 10,000 ठीक है तो इनाम बेचे प्लस जो हम कुछ ना कुछ सम्मानित चिन्ह सभी महिला मंगल दल सभी जो अलग से लेकिन आप लोग में पार्टिसिपेट जरूर करो आपका गांव का नाम आज आपका गांव का प्रधान जी आप तो सहयोग करेला और गीत तुम ढूंढन भाई गीत तुम ढूंढन अपने साथ जी आ तुम करना हां जी ठीक है गीत तुम ढूंढन वे पार्टिसिपेट जरूर करो। अच्छा देखो आप लोगों को पता वालों की मैं भी गांव गांव जान चुका के लोग देख वाला मेरा वीडियो ठीक है हम गीत गाना भी गंदो हम लोगों की जन समस्या भी उठा दो हम जो विधायक से लेके मुख्यमंत्री हर के जगाना भी छोड़ के भाई क्षेत्र के क्या समस्या थी आज हम आपका गांव में रहो और सौभाग्य अमेरिकी में ब्याल जो चैनल भाई फोन है कि कुलदीप भाई प्लीज यार वहाँ जाना है तो मैंने मना नहीं किया किले के हमारे ब्याल किलबो खाला कार्यक्रम छा लेकिन वो किले की मेरा मामू गांव से किलबो खाल हम कार्यक्रम वक्त छुड़ी का आपका गांव में रहो किले की एक बहुत लोगों की जन समस्या थी बहुत लोग परेशान थी कतरे चीजों से क्या सड़क हो चाहे स्वास्थ्य हो हमें इसका दूर आना चाहिए जन समस्या किला उत्पन्न होना चाहिए। आज हमारा शहर देहरादून कोटद्वार रामनगर ई किला चमकना चाहिए क्या हम वोट नहीं दींदा क्या हम इंसान नीचो के हम वोट नहीं दींदा क्या उत्तराखंड अगर जो बड़ी छाई वो सिर्फ पहाड़ा नाम से बन देहरादून ऋषिकेश कोटद्वार युग नाम से नहीं बन सिर्फ पहाड़ा नाम से बन लेकिन आज पहाड़ी पिछड़ू छे किला पिछड़ू छे किले के हम लोगों भी अपन सोचे थोड़ा अपडेट निकाल जब वोट डालना बात आंदे हम लोग क्या सोच दो हम लोग पार्टी वाद देख दो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी जिंदाबाद यूकेडी जिंदाबाद हमें नहीं देखता कोई अच्छा व्यक्ति से हम बोल रहे कि जो व्यक्ति आप काम करने वाले ना वो पहली काम कर अगर कोई आप रोजगार देने वाले तो पहली रोजगार दिया ना कि मैं विधायक बनोल जी में तब रोजगार दियो वो पहली रोजगार दिया कोई अगर शिक्षक बात करल तो पहली शिक्षा दिया आप लोग देखो मैं चाहूँ कि पहाड़ों सबसे ज्यादा मात्र शक्ति रिंदी अगर कार्यक्रम होमी अभी बोल बाल कोई भी कार्यक्रम होमी वक्त महिला सबसे ज्यादा रिंदी आज देखो मैं सबसे ज्यादा महिला ही थी महिला सबसे ज्यादा थी वोट भी विकासक भी नींव महिला